दोस्तों मूसलाधार बारिश के चलते रद्द होने की कगार पर पहुंचा इंडिया न्यूजीलैंड। पहले टेस्ट मैच का पहला दिन तो बुरी तरीके से भड़क गए न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम। अरब बीसीसीआई की खराब व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने न केवल हमारी जमकर बेइज्जती करी बल्कि कुछ ऐसा कह दिया, सुनकर तो हर कोई दंग रह गया। तो आखिर कैसे टॉम लैथम ने उतारा बीसीसीआई पर अपना गुस्सा, उनका वो पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई की इस लापरवाही पर क्या कहना चाहेंगे अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश का सफाया करने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें ये सीरीज देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस पर सभी से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन बैंगलोर में मूसलाधार बारिश होने के कारण ये मुकाबला अभी तक शुरू नहीं हो सका। मैच शुरू होने का समय सुबह 9:30 बजे से था, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया और अभी तक ये मुकाबला शुरू नहीं हो सका। यहाँ तक कि टॉस भी नहीं उड़ पाया है। क्रिकेट फैंस और खिलाड़ी बारिश रुकने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बूंदाबांदी लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें पहला सेशन भी बारिश के कारण धुल गया। इसके बाद लंच का भी समय हो गया। हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था ताकि मुकाबला शुरू हो जाए, बल्कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरा सेशन भी पूरी तरह से धुल गया। हालांकि बीच में बारिश धीमी जरूर हुई थी। एम्पायर मैदान को चेक करने पहुंचे थे, लेकिन मैदान खेलने लायक नहीं था। इसी के चलते दूसरा सेशन रद्द करके टी ब्रेक भी ले लिया गया। हालांकि हर कोई अनुमान लगा रहा था कि बारिश रुकने के बाद अंतिम सेशन तो जरूर खेला जाएगा, लेकिन शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था और पूरी तरह से मैच को कोल्ड ऑफ करने की कगार पर यह मुकाबला पहुंच चुका था, जिसके कारण न केवल टीम इंडिया, सभी खिलाड़ी बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया। इतने नहीं, बीसीसीआई की खराब फैसिलिटी और बारिश में मैच रद्द हो जाने के कारण न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम भी बुरी तरीके से भड़क गए और फिर उन्होंने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए उनका खूब मजाक उड़ाया और एक ऐसा दिल तोड़ देने वाला बयान दिया जिसने सोशल मीडिया की गलियों में तबाही मचा दिया। आखिर ऐसा क्या कह दिया न्यूजीलैंड के कप्तान ने अपना गुस्सा निकालते हुए उनका बयान, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जी हां दोस्तों, लैथम ने कहा है कि हमारी टीम पूरी तरीके से तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली थी। हम काफी जोश में थे, लेकिन बारिश ने मजे को किरकिरा कर दिया। हम सब बेहद निराश हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ऐसी फैसिलिटी जरूर रखनी चाहिए ताकि बारिश के बाद भी मुकाबला जल्द शुरू हो सके। वैसे भी बीसीसीआई के पास पैसों की कमी नहीं है, वो दुनिया की सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड है। अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता है तो कितनी शर्म की बात है। यहाँ उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें मौसम देखकर मैच रखना चाहिए था। इससे न केवल हमारा समय बर्बाद हुआ बल्कि उन करोड़ों फैंस का तो सोचिए जो इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हजारों लोग टिकट लेकर मैच देखने आए थे। उन सब की भावनाओं के साथ अपने खिलवाड़ किया है। यदि आपको पता था यहाँ बारिश होने वाली है तो किसी और वेन्यू पर मैच रखवा सकते थे। वैसे भी हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा स्टेडियम है, कहीं और मैच रख लेते, लेकिन बीसीसीआई को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। ये खिलाड़ियों और फैंस के साथ धोखा है। कितने शर्म की बात है कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड एक मैच शुरू नहीं करवा पा रहा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से लैथम का गुस्सा बीसीसीआई पर फूट पड़ा और उन्होंने न केवल मैनेजमेंट को खूब फटकार लगाई बल्कि उनकी फैसिलिटी पर सवाल उठाने लगे। लेकिन दोस्तों अब आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस मैच को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए था? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पहले अपनी बल्लेबाजी से जीता रिंकू सिंह ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल और फिर अपना कीमती अवार्ड अपने गुरु हार्दिक पांड्या को देकर किया खुद ऐसा चौंका देने वाला खुलासा जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों रिंकू ने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या के नाम कर दिया? कैसे रिंकू और हार्दिक के बीच के लम्हा सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। रिंकू का वो दिल जीत लेने वाला लम्हा और उनका बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट के बाद अब टी20 में भी बज रहा है टीम इंडिया का डंका। पहले ग्वालियर के मैदान पर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को धूल चटाई और अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 86 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया और इसी के साथ भारतीय टीम 2-0 से सीरीज को भी अपने नाम कर गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। मैदान पर उतरते नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। नीतीश रेड्डी 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रिंकू सिंह अकेले मैदान पर दहाड़ लगाते हुए चौके छक्कों की बारिश कर बांग्लादेश के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी और रिंकू ने इस मुकाबले में 29 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 53 रन ठोक दिए। अंत में हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंद पर 32 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचाया और बांग्लादेश के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया।
इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 135 रनों के स्कोर पर सिमट गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को 86 रनों से अपने नाम कर सीरीज को 2-0 से जीत गई। मैच के बाद इस मुकाबले में रिंकू सिंह तो तूफानी बल्लेबाजी के लिए और उनके स्ट्राइक रेट पर एक शानदार बेहतरीन अवार्ड दिया गया, लेकिन रिंकू सिंह ने महानता दिखाते हुए अपने आइडल खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देकर उन्हें गले से लगा लिया और ये लम्हा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हर तरफ रिंकू की तारीफ होने लगी, लेकिन अब खुद रिंकू सिंह ने इस लम्हे पर खुलासा करते हुए ऐसा चौंका देने वाला बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। तो चलिए अब आपको रिंकू सिंह का वो बयान सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना अवार्ड हार्दिक पांड्या को दे दिया। रिंकू सिंह ने हार्दिक पांड्या को अपना अवार्ड देने पर खुलासा करते हुए बताया है कि मैं टीम के लिए अपना योगदान देकर काफी खुश हूँ, सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे अवार्ड के सबसे बड़े हकदार हार्दिक भाई थे। उन्होंने पहले मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और दूसरे टी20 में भी अपने बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि इस अवार्ड के हकदार हार्दिक पांड्या है, जिसकी वजह से मैंने अपना अवार्ड उन्हें दिया। वैसे भी वो मेरे आइडल खिलाड़ी हैं, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं। अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा है, जिस तरह से वो गेम को फिनिश करते हैं मैं भी उन्हीं के अंदाज में फिनिश करता हूं। वो लम्हा मेरे लिए भावुक कर देने वाला था, लेकिन अपने भगवान के सामने हर कोई झुक जाता है और मैंने भी वही किया। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में कई। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में आया कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान मात्र 32 गेंद पर शतक लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल गई है, जिसके बाद अब दूसरे टी20 मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंद पर शतक लगाने के साथ मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसके सामने विरोधी गेंदबाज भी अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी अब हम आपको खाने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम को पहला झटका पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में 0 रन के स्कोर पर लग गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। इस बीच अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी की और गेंदबाजी करने के लिए आए मेहंदी हसन के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए अर्धशतक के करीब पहुंचने का कार्य किया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में तस्कीन अहमद के सामने छक्का लगाते हुए 17 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाने के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी की और शतक के करीब पहुंचने का कार्य किया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए। इस बीच 10 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने 12 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शौरिफुल इस्लाम ने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अपने शतक के काफी करीब पहुंचने का कार्य किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर के अंदर मेहंदी हसन के सामने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ 2 लंबे छक्के लगा दिए और 99 रन के स्कोर पर अब पहुंच गए। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद के सामने डाली गई गेंद का फायदा उठाते हुए आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगा दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। हालांकि शतक लगाने के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट गेंदबाज मेहंदी हसन के सामने दे दिया। इस बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 106 रन के स्कोर पर LBW आउट होकर अपना विकेट दे दिया। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मात्र 32 गेंद पर शतक पूरा किया और मात्र 34 गेंद पर 106 रन का योगदान दिया। ऐसे दौरान उन्होंने 9 चौके और 9 छक्के लगा दिए और भारतीय टीम ने 230 रन का स्कोर खड़ा कर बांग्लादेश को हरा दिया। ऐसे में इनकी अभ्यास मैच में खेली गई तूफानी पारी को देखते हुए भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद बांग्लादेश की टीम के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव कितने रन का योगदान दे पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों पहले मैच में हार के बावजूद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाफ दिया भड़काऊ बयान, तो पलटवार कर रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत को जीतने लगी है, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकाया है। इस बीच रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने पलटवार करते हुए एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ियों और रिंकू सिंह सूर्य कुमार यादव के बीच कौन सी तीखी बहस देखने को मिली है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच ग्वालियर के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल गई है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश